नमस्कार। भारतीय विद्या भवन इन्फोसिस फाउंडेशन कल्चरल आउटरीच प्रोग्राम के 79वें प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आप जानते हैं हम राजस्थान के लोक अंचल में फैले पड़े कला संसार को आपसे रूबरू करवाने के लिए इस प्रोग्राम को लेकर आते हैं। आज हमारे साथ में एक बहुत ही खूबसूरत कला और उनके कलाकार हैं। यहाँ पर जयपुर से लगभग 150 किलोमीटर दूर दौसा, करौली, महुआ, इस अंचल में हेला ख्याल और पद गायकी की एक कला आदिकाल से चली आ रही है। महाभारत के प्रसंग हों, रामायण के प्रसंग हों, या राजनीति के ऊपर कटाक्ष करना हो, उसमें इन लोगों की तुकबंदी, जुगलबंदी, इस फनबंदी का कोई जवाब नहीं है। आज हमारे साथ में हैं डॉक्टर महेश जी। महेश जी इस क्षेत्र में सरकारी नौकरी में हैं, वो चिकित्सा सेवा में कार्यरत हैं। अपने उस काम के साथ ये इस कला को भी सहेजे हुए हैं और इनके बहुत सारे साथी अभी आपके सामने इस कला के हुनर को प्रस्तुत करेंगे। मेरा मन होता है कि मैं ऐसे कलाकारों को जिन्होंने महाभारत से एक ये प्रसंग उठाया, वेदव्यास जी ने बहुत ही अद्भुत रचना की उस ग्रंथ की, लेकिन उसको फिर से अडप्ट किया और अपनी भाषा में कितना खूबसूरत जमाया है और कितना खूबसूरत गाया है, तो मैं इनको कहता हूँ कि ये भी किसी ना किसी तरीके से, कहीं ना कहीं से वेदव्यास जी के अंश मुझे प्रतीत होते हैं। मैं अधिक समय नहीं लेता, लीजिए महेश जी गोसिंघा और उनके साथियों को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वे कर्ण कथा आपके सामने प्रस्तुत करें। भगवान को शीश झुका करके श्री गोसिंघा पद पार्टी शालमपुर तहसील महुआ जिला दौसा आपके सामने महाभारत से एक प्रसंग लेके प्रस्तुत कर रही है। महाभारत का यह प्रस्तुत कर्ण के ऊपर आधारित है कि कर्ण एक महादानी थे, कर्ण ने कैसे जन्म लिया, क्या क्या दान दिया और कैसे स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। आपके सामने महाभारत का प्रसंग। आरे सबकी लजा राखेगी दानी दाता की, कैसे अरे ले सबकी लजा राखेगी दानी दाता की, मिलके जय बोलो भारत माता के, सबके लजा राखेगी दानी दाता के, मिलकर जय बोलो भारत माता के, मैं सबकी लजा राखेगी दानी दाता के, मिलकर जय बोलो भारत माता के। भारत की धरती सोना उगले हीरा मोती रे, भारत की धरती सोना उगले हीरा मोती रे, ओ भैया प्रेम से जगाओ जगमग ज्योति रे, भारत की धरती सोना उगले हीरा मोती रे, प्रेम से जगाओ जगमग ज्योति रे, भारत के धर सोना उगले हीरा मोती रे, दिल में प्रेम से जगाओ जगमग ज्योति रे। भारतीय विद्या भवन के सैनिध्य में आपके सामने महादानी कर्ण के जीवन की मुख्य घटनाएं। तो सज्जनों, जब कुंती कवारी थी तो उसने द्वारा दुर्वासा ऋषि की सेवा की। दुर्वासा ऋषि की सेवा से, कुंती की सेवा से ऋषि प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि हे कन्ने कोई वरदान मांगो। कुंती ने मना कर दिया, लेकिन न चाहते हुए भी वो दुर्वासा ऋषि उनको एक ऐसा वरदान दे गए, जो मैं तो उसको वरदान क्या श्राप ही कहूंगा, कि हे कन्ने तू जिस देवता का आह्वान करेगी वो तेरे सामने प्रकट हो जाएगा। वरदान की परीक्षा के लिए
कुंती जी ने भगवान सूर्य को याद किया और भगवान सूर्य प्रकट हो जाते हैं और कुंती जी को शादी से पहले करण को दे जाते हैं। शादी से पहले ही कुंती जी गर्भवती हो जाती है और करण जन्म ले लेता है। कुंती जी ने लोकलाज के पैसे अपने खानदान की इज्जत को बचाने के लिए उस अपने छोटे से बेटे को लालन पालन नहीं किया और एक डब्बे में बंद करके और नदी में बहा दिया। क्या होता है आगे कथा के बाद क्या हो रहा है डॉक्टर साहब? आरे दो को गो मेलन में गाजा वे कुंती क्वारी के दो को गो मेलन में गाजा वे कुंती क्वारी के भरती जवानी में लागा गो दाग विचारी के दो को गो मेलन में गाजा वे कुंती क्वारी के अब लोक लाज को काज यौवन कर लियो पको लोक लाज के काज यौवन कर लियो पको और ऐसी का मैया होए पूत के दे दियो दाको अरे तो वो मेलन में गाजा वे पुते वारे के भर दे जाने में लागो सागे में सारे के दे दो वो मेलन में गाजा वे पुते वारे के भर दे जाने में लागो सागे में सारे के। अरे धक्का तो दे दिया लेकिन माता थी माँ की आत्मा जागृत हो गई और घाट पर ठाडी ठाडी अपने बेटे को गंगा नदी में बहता देख रही थी और पिछला हेरा करके विलाप कर रही थी कि ये मेरे बेटा ओ मेरे लाला यदि तू रीत रीत से होता बेटा तू मेरे शादी के बाद में पैदा होता तो मैं तेरे कैसे कैसे नेक जो करती तेरे कैसे लाड लड़ाती। कुंती माता रोती रोती क्या करी घाट पे कैसे रही है बेटा हरे लाला ने तू रीत रीत हो तो रे लाला ने तू रीत रीत हो तो मैं कुआ को जल जाती ढिंग तेरे चाचा जी सो तो रे लाड मेरे गाड़त देवरिया रे लाड मेरे गाड़त देवरिया और भारी रहती होती मेरी सास बांटती घर घर घेवरिया रे साथियों नंदी पे लगवाती रे साथियों नंदी पे लगवाते बको हस हस दे तीने के मानना पौड़ी पे मंडवाती रे जाग तेरे भरती जावन सुरे जाग तेरे भरती जावन दो मेरे बाबुल भर तो भात भरती में तो सो सोई गावन को। अब मेरे मन की मन में रह गई बेटा मैं तो पड़ गई ओल जन में मेरा मन की मन में रह गई बेटा मैं तो पड़ गई ओल जन में अरे पर जे जूंगी तो आज उड़गी बदनाम मन कान में तो मेलन में गाजा में कुंते पारे के भरते जाने में लगागो दाग बिचारे के दो को मेलन में गाजा में कुंते पारे के भरते जाने में लगागो दाग बिचारे के। अरे ताई समय मैया गंगा की धारा में से होता ही समय मैया गंगा की धारा में राधा अधीरथ नाभे कुआवे ऐसे अरे बे तो आवे रहे के मंजूषा को लेके खुशी से किनारे पेलावे ऐसे हो पायो मंजूषा में नवजात खेलते देखते बाकू गले से लगावे ऐसे और छाती पे वाकी पे कवच विराजते काना ने कुंडल शोभते पावे ऐसे भैया के कर रहे लालन पालन प्यार कैसे बेटो हो तो आए होशियार दोनुआ को भारो ही लाड लडावे और थोड़ा ही दिन पाछे गुरुद्वारे में पढ़वे को लावे के लाए द्रोण गुरु ढिंग लाए वन न्यू फटकार बगाए शर्म नहीं थारे आंखन में
और काइले को पढ़वा में पढ़वो नहीं तेरा भागन में। और क्या भैया? तो श्रोताओ, जब करण नदी में बहता जा रहा था, उसी समय राधा और अधीरथ जो कौरव पांडवों के घोड़ों को पालन करते, घोड़ा का पालन करते थे, वो गंगा नदी में स्नान करने आ जाते हैं। उनके कोई बेटा नहीं था और उस मंजूषा को करण को बाहर निकाल के अपना बेटा मान लेते हैं। और उसको जैसे ही द्रोणाचार्य के पास पढ़ाने के लिए ले जाते हैं तो द्रोणाचार्य गुरु ने मना कर दिया कि भैया करण, तू शूद्र पुत्र है, तू यहाँ पर शिक्षा नहीं ले सकता। मेरे विद्यालय में शिक्षा केवल ब्राह्मण के बेटे या फिर क्षत्रिय राजकुमार ही शिक्षा ले सकते हैं। जब ऐसा शर्मिंदा किया करण को तो बेचारा वहां से चल देता है और गुरु परशुराम के पास जाकर के शिक्षा लेता है। गुरु परशुराम जी का यह नियम था कि वो केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा दिया करते थे, लेकिन करण ने क्या किया, अपनी जाति छिपाई और ब्राह्मण बनकर शिक्षा ले ली। लेकिन एक दिन क्या घटना घटी भैया? कैसे है भैया? के ऐसी घटी एक दिन घटना। कैसे हो ऐसी घटी एक दिन घटना, एकदम लगी गुरु के जपना, ठंडी चले पवन पुरवाई, वन करण जांग पे धरो शीश बाको गहरी निद्राई। कीड़ा एक वहीं से आयो। कैसे वन करण जांग में खायो, छूट रही गर्म खून की धार, और सुख सुसो है गुरु जांग में हो गयो आरंपार। रुधिर जब गर्म बदन के लागो। कैसे अरे खून जब बदन गगन के लागो, एकदम टूटी निद्रा जागो, पेणवा करण नहीं सीसायो, और तू छत्री को अंश दुष्ट तेने मोकू जो भरमायो। कैसे तो जब ये बात लगी तो सज्जनों गुरु परशुराम को ये पता लगा कि ये करण ब्राह्मण का बेटा नहीं है तो क्षत्रिय है, और जात छिपा के उसने मेरे से शिक्षा ले ली। तो एक श्राप दिया। क्या श्राप दिया? कि दुष्ट, तूने गुरु के संघात किया। कहते हैं तूने गुरु के संघात किया इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ। क्या श्राप दिया भैया? भाई अब तेने गुर से राख्यो कपट श्राप, तो दे दऊं बेईमान। तेने गुरु से राख्यो कपट श्राप, तो दे दऊं बेईमान, और मेरा ले जा पाचू बाणे बाणे तेरे नहीं आवे गुरु परशुराम कहने लगे, अरे दुष्ट कर्ण, गुरु के संग कपट करना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। तूने मुझसे धोखा किया, अपनी जात छिपाई, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि मेरी पढ़ाई हुई विद्या तुझे कभी भी काम नहीं आएगी। जब तुझे इसकी जरूरत पड़ेगी तो तू मेरी विद्या को भूल जाएगा। ऐसे कहकर के पांच बाण लेकर के करण वहां से चल देते हैं। कुछ दिन बीत गए। एक दिन रंग भूमि में गुरु द्रोणाचार्य कौरव और पांडवों की धनुष परीक्षा ले रहे थे। वो ये ऐलान करना चाहते थे कि दुनिया में सबसे बड़ा धनुर्धर अर्जुन है, लेकिन जैसे ही अर्जुन को बढ़िया धनुर्धर होने का जब फेंटा गुरु जी बनवा रहे थे, उसी समय करण वहां आ जाता है, चैलेंज करता है द्रोणाचार्य को कि गुरु जी अभी अर्जुन को फेंटा मत बंधा, तेरे अर्जुन को मुझसे लड़ा, देख हम दोनों में से कौन अच्छा बाण चलाता है। करण क्या कहता है गुरु जी? कैसे कह रहा है भैया? के गुरु माऊ करण बलि घुर्रावे। कैसे हो गुरु माऊ करण बलि घुर्रावे, हाली मत फेंटो बंधवावे, तेरा तो दिल की ठसके भजा ले, और यह पहला नंबर पे रे बड़ा सुमो कुआज भेड़ा ले। के जा जा चर चर लिया घोड़ा, भग जा मुंड फोड़ा टुक तोड़ा, तू तो नहीं है अंश छत्री को, और क्यों सिंगन के घाट करे मैं बेटा बकरी को। अब छत्री ने को ये काम नाम नहीं तेरी जात ने को, छत्री ने को या काम काम नहीं नीची जात ने को। अरे पिण तू तो मेरा यार पतो नहीं, मैया बाबा ने को तो
महादानी कर्ण ने कहा कि गुरुजी तुम्हारे अर्जुन से मुझे लड़ाओ, देख कौन जीतता है। द्रोणाचार्य जान गए कि अर्जुन को कर्ण हराएगा पक्की बात, और अर्जुन हार गया तो आज तेरे गुरु के बहुत माटी हो जाएगी, तुझे नीचा देखना पड़ेगा। इसलिए कोई ऐसी बेईमानी करता हूं कि कर्ण यहाँ धनुष चला ही नहीं सके। गुरु ने एक बेईमानी करी, अरे मूर्ख कर्ण तू यहाँ इस अखाड़े में धनुष नहीं चला सकता। बताऊ क्यों? ये अखाड़ा क्षत्रियों का है और तू तो क्षत्रिय हो ही नहीं सकता। तुझे तेरी मैया तेरे पिता का ही पता नहीं कौन है भैया, यहाँ से भाग जा। तब द्रोणाचार्य ने ऐसे खोटे बोल बोले तो कर्ण की आंखों में आंसू आ गए और रोता रोता अपनी मैया को कोसता हुआ कैसे सभा छोड़कर जाता है। गुरुजी कैसे जा रहा है बेटा? हरे कतई मोहले बैठी मैया, हरे कतई मोहले बैठी मैया, भक देख देख वके हाल से पांडव पांचू भैया, रे भेद जातन को मिट जाए गो, रे भेद जातन को मिट जाए गो। और बोले यूं धृतराष्ट्र फूल कोई अंबा से लाए गो, रे ठिटक गए सुन बानी तानी, रे ठिटक गए सुन बानी ताने। वन लियो धनुष चढ़ाए भेद लियो झटका नन ताने। द्रोणाचार्य ने जब कर्ण को फटकार दिया तो धृतराष्ट्र जी बोले कि भैया इसमें हम जाति पाति का भेद मिटा देंगे, हम किसी को ऊंची और नीची जाति का नहीं समझेंगे, लेकिन हम भेद जब मिटाएंगे कोई वीर अपने बाणों से स्वर्ग से फूल तोड़ के ला देगा। सज्जनों कौरव और पांडव में से कोई भी फूल ना ला सका, लेकिन महादानी कर्ण ने क्या किया भैया? क्या किया बेटा? आबे दे रहे होती के बोल गुरु, अब ले ले नंबर में, दे रहे होती के बोल गुरु जी ले ले नंबर में, और फूलन की हुई बरसात बाण जब छोड़े नंबर में, उस कर्ण ने एक ही बाण से स्वर्ग से फूलों की बरसात कर दी। धृतराष्ट्र दुर्योधन तो बेईमान था ही, उसको पता था कि हमारे भाई भाइयों में लड़ाई तो निश्चित होगी, और मुझे ऐसा वीर जो अपने बाण से फूल गिरा दिए कब मिलेगा। उस दिन उस दुर्योधन ने कर्ण को पहली बार अपना दोस्त बनाया और उसको अंग देश का राज बना दिया, राजा बना दिया। और क्या कहता है कर्ण से दुर्योधन? क्या कहता है बेटा? अरे तो कुबायलो बना हो लया जा रे, कैसे हो? मैं तो भाले बना हो तो राजा रे, हो तो कुबायलो बना हो लया जा रे, मैं तो भाले बना हो तो राजा रे, कुबायलो बना हो लया जा रे, मैं तो भाले बना हो तो रे। धरकंदा पे हाथ मटाने छाती के चुपकायो, धरकंदा पे हाथ मटाने छाती के चुपकायो, गंगल हो गो जैसी के नैनन में नीर भरायो, अंग देश को अंग देश को बना दियो राजा रे, तो भाई लो बनाओ राजा रे। अब जान काई घट ना घट घट आवे घट घट को वासी, जान काई काई घट ना घट घट आवे घट घट को वासी, और रंकन को कर दे भूपे, कैसे अरे रंकन को कर दे भूपे, भूपे को कर दे सन्यासी, दुर्योधन ने महादानी कर्ण को राजा बना दिया अंग देश का। यहाँ की कथा हम यहाँ छोड़ देते हैं और ले चलते हैं महाभारत की तरफ। महाभारत की लड़ाई चालू हो जाती है, कौरव पांडव आमने सामने हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि जब तक कर्ण के पास वो पांच बाण रहेंगे जिनसे पांचों पांडवों को मारेगा, जब तक वो बाण रहेंगे तो पांडव कौरवों से नहीं जीत सकते।
इसलिए भगवान ने कुंती माता से कहा कि हे कुंती बुआ, अगर तुझे तेरे 5 बेटे बचाने हैं तो तू ऐसा कर, तेरे बड़े बेटे करण के पास जा, जो शादी से पहले हुआ था, उस करण से तू रात में जाना और युद्ध भूमि में वो बहुत महादानी है, 5 बाण लेके आना, वो तुझसे मना नहीं करेगा। यदि 5 बाण नहीं लेके आई तो 5 बाण से तेरे 5 पांडव मारे जाएंगे। सोताओ, कुंती माता ने पहला घात किया था, बेटा को नदी में बहा दिया, फिर दूसरी बार अपने बेटा से छल करने के लिए आधी रात पर गई। यदि दिन में जाती तो दुनिया देख लेती कि करण इसका बेटा है, शादी से पहले हुआ था। तो रात के 12 बजे करण के तम्बू में गई युद्ध भूमि में, और कैसे आवाज लगाती है और छल करके, झूठ बोल करके, मीठी बोल करके 5 बाण कैसे लेके आती है करण से भैया, कैसे लेके आती है बेटा? अरे वो लाया जाओ तारी, कैसे? अरे वो लाया जाओ तारी, मैं तारी है लो पाड़े रे। अरे वो लाया जाओ तारी, मैं तारी है लो पाड़े रे। तेरी पौड़ी पे वो उठा दो, पौड़ी पे बेकारियो जाके मारे रे। वो लाया जाओ तारी, मैं तारी है लो पाड़े रे। देख बाहर आ जाओ तारी, मैं तारी लो पाड़े रे। कैसे वो मारे रे, यो लाया जाओ तारी, मैं तारी लो पाड़े रे। युद्ध के मैदान में करण के डेरे पर रात के 12 बजे किसी औरत ने आवाज लगाई तो करण की निद्रा भंग हुई कि आज रात के 12 बजे मुझसे कौन मांगने आया। उसको नहीं पता था कि अब मुझे आज मेरी जन्म देने वाली माता मुझसे दान लेने आई है। वो जग के गेट पर आया और क्या कहता है कुंती माता से भैया? कैसे कह रहा है भैया? ओ देवी का चाहिए अब तो कु, कैसे के देवी का चाहिए अब तो कु, बिन संकोच बता दे मोकु, क्यों आदि पे अरे जगायो हो, और जे कोई मंग तो आयो, मैंने वागुरी तो नहीं लौटायो। के मायरी काई को करे अब देरी, पूरी करो समस्या तेरी, जो मांगेगी सो दे दूंगो, अरे आदि हुई है रात में थोड़ो बहुत और सो लूंगो। अरे मांगता तो रे लाल, रोज तेरे घर आता ही जाता। ये मांगता तो रे रोज लाल, तेरे घर आता ही जाता। अरे पिण झोली रही है पसारे, कैसे? अरे पिण झोली रही है पसारे, आज तेरी जान वाली कहने लगा, जनवाड़ी माता, मेरे जन्म देने वाली माता कोई नहीं है, मेरा तो इस दुनिया में राधा और अधीरथ है, जिन्होंने मुझे पाल पोष के बड़ा किया, वही मेरे मैया बाप है, और सबसे ज्यादा प्यारा मेरा दुर्योधन भैया है, जिसने मुझको राजा बनाया अंग देश का। ए जन्म देने वाली माता, तू कैसी माता है? तू मुझे गंगा नदी में फेंक के आ गई, मैं तेरा बेटा कैसे हो सकता है? एक माँ अपने बेटे को नहीं फेंक सकती। तो रोता रोता करण कुंती से क्या कहता वीरेंद्र? कैसे कह रहा है भैया? अरे मात तन कर दी उबे दल को रे, मात तन कर दी उबे दल को, और मेरी मेरे मैया बाप भलो होए राधा यदि रत को रे, के खाई मन ठोकर दर दर की रे, के खाई मन ठोकर दर दर के, होए इजो पड़े अंदाज ताल कस होए की नटवर कीड़े, बेचारो दुर्योधन मेरे यार, बेचारो दुर्योधन मेरे यार, मोए भारो इधर सम्मान भगव तेरा चाया, मोए फटकार
दरत कर भाई लगे मैया रे याद कर भाई लगे मैया बिगड़ी में पकड़ो हाथ सो मेरो दुर्योधन मैया अरे महलन में रह बाड़ो मैया मेरी गैलन में डोलो महलन में रह बाड़ो मैया मेरी गैलन में डोलो अरे आसमान को पट कर मैया मैं तो तारते खोजे लो मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है तू मेरी माता हो ही नहीं सकती अरे माता तो मत बने तुझे कुछ चाहिए तो ले जा क्योंकि मैं शुरू से मैंने किसी को दान देने में मना नहीं किया कहने लगा कि मेरी माता मुझसे धोखा नहीं कर सकती तुम मेरी मां नहीं है कर्ण ने ये बात कही तो कुंती की आंखों में आंसू आ गए और मन में सोचने लगी कि मेरे बेटा कर्ण का बिल्कुल दोष नहीं सारा दोष तो मेरा ही है कहने लगी लाला मैंने मेरी इज्जत नहीं गंवाई बेटा बेटा मैंने किसी से प्यार नहीं किया ये तो भगवान दुर्वासा ऋषि का वरदान था इसलिए बेटा मैंने मेरी इज्जत नहीं गंवाई ठाडी ठाडी अपने बेटे को कुंती जी कैसे समझाती गुरु जी कैसे समझा रही है बेटा और ठाडी ठाडी कुंती मारो रही है कैसे और ठाडी ठाडी कुंती मारो रही है देख रही करण बलि की ओर कैसे अरे करण बलि की ओर देख रही महादानी की ओर ठाडी ठाडी कुंती मारो रही है देख रही करण बलि की ओर ठाडी ठाडी कुंती मारो रही है देख रही करण बलि की ओर गंगोत्री की ओर देख रही महादानी की ओर ठाडी 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 कुंती मारो रही है देख रही करण बहुत की ओर ठाडी ठाडी कुंती मारो रही है देख रही करण बहुत की ओर अरे ना कियो मैंने प्यार किसी से ना मेरी लाज मेरे लाज ले ना मेरी लाज कमाई अरे ना कियो मैंने प्यार अब काई करती मेरा लाल किसाऊ नहीं मेरो गित गहलो मैं काई करती मेरा लाल किसाऊ नहीं मेरो गित गहलो अरे दोनों मैया बेटा होता बदनाम है कैसे वो दोनों मैया बेटा होता बदनाम है जमानो तो से कहतो भगड़े लो बेटा करण मेरी गलती नहीं है बेटा यदि उस दिन मैं तुझे गंगा नदी में ना बहाती ना तो ये दुनिया ना तो तुझे जीने देती ना मुझे जीने देती क्योंकि तू शादी से पहले मेरे पैदा हुआ था बेटा ये दुनिया तुझसे पकड़ेला कहती इसलिए हम दोनों की इज्जत बचाने को मैंने तुझे गंगा नदी में बहा था बेटा मुझे माफ कर ये बात सुन करके महादानी करण संतुष्ट हो जाते हैं कि मेरी माँ की कोई गलती नहीं है आज मेरी माँ ने मेरे माथे पे हाथ रख दिया तो हंस के कहने लगा कि मैया आज तो मेरा जन्म सफल होगो जो मुझे माता ने मेरे सिर पर हाथ रखा मुझे ये बता मैया तू क्यों आई तू मिलने तो नहीं आई मैया तू मिलने तो आई नहीं सकती अगर मिलने आती ना तो दिन में आती तू रात के 12 बजे चोरों की तरह मुझसे मिलने क्यों आई जब करण ने ऐसे पूछा तो कुंती माता ने मीठी बोल के
और झूठ बोल के बांट लेने की वजह से क्या कहती वीरेंद्रा? कैसे कह रही है भैया? ओ मैं तो मिलवाई मेरा लाल कैसे, ओ मैं तो मिलवाई मेरा लाल गाना देने, ओ मैं तो मिलवा ए मैं तो मिलवाई मेरा लाल गणा दिन बीत गया, ओ मैं तो मिलवाई मेरा लाल गणा दिन बीत गया, ओ मैं तो मिलवाई मेरा लाल गणा दिन बीत गया, बड़े सुखड़ मुखड़े हो रही बदन वाका काम मेरा यारे पासन को पासन को ले रही पाठ मतलब की दुनियादार दया को खोज नहीं, अबे बने झोली दई है पसार भूल जा पिछली बातन को, मैंने झोली दई है पसार भूल जा पिछली बातन को, अरे तेरी मैया मांगे मेरा लाल ऐसे, अरे तेरी मैया मांगे मेरा लाल घिता दे तेरा पाछू पालन को, वो नया लायो तारी में तारी हेलो पारे, वो छड़ो पौड़ी में बेतारी देखे मारे रे, वो नया जाओ तारी में तारी हेलो पारे, वो छड़ो पौड़ी में बेतारी देखे मारे रे, अरे पसीना की बह गई धारे अपार, पसीना की बह गई धारे अपार, चढ़वाड़ी ने जुलम करी मुख कर दिए दो दो बार, रात दे चार बार नाले नाले रे, रात दे चार बार नाले नाले, और वा को खायो नमक बहुत मुए दुरियो दल प्यारे री, रात दे चार बार नाले नाले रे, रात दे चार बार नाले नाले, और अरे जुन से मैं लड़म फड़क रे तन से कौन मारे रे, बात मधु कह मैं मुंड फोड़ा रे, बात मधु कह मैं मुंड फोड़ा, मेरी नीची रे हो जाए नार सबम जब कह मैं तुक टोड़ा रे, ठसक मेरे भाई से लड़वा के, ठसक मेरे भाई से लड़वा के, और छे कोर खायो नमक मात वादा करा जे चुका बाकी रे, चार खे दिस तेरा रे धुन सुरे अबे हमें दोनों ने में से एक मरेगो तो पे नहीं आवेगी यार, हम दोनों ने में से एक मरेगो मैया नहीं आएगी तो पे आज, अरे तेरे तो मई पूते रहेंगे वही पाचो पाच, जैसे ही कुंती माता ने पांच बाण मांगे अर्जुन कहने लगा रही मैया एक बिलन में काहे की घुस रही तू, जब से मैं तो सब दुनिया को देता आया हूं मैंने कभी किसी से मना की नहीं, तू मुझे वैसे साफ साफ कह देती कि मुझे पांच बाण चाहिए, मैं दुनिया को देता हूं मेरी माँ को नहीं दे सकता क्या, बाण तो तू राजी राजी ले जा, लेकिन मैं चैलेंज करता हूं तेरे अर्जुन को, बाकी के चार भाई तो मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, मुझे ये पता होता कि ये मेरे भाई हैं तो मैं दुर्योधन की तरफ से नहीं लड़ता, मैं मेरे भाइयों की तरफ से लड़ता, लेकिन मैया मुझे नहीं पता था कि ये मेरे भाई हैं, बाण तो तू ले जा लेकिन तेरे अर्जुन से कह देना अपने बाणों को घिस के रख लेगा, तैयारी कर लेगा, मेरा चैलेंज है कि अर्जुन की मेरी लड़ाई निश्चित होगी, ये तो निश्चित बात है और ये सुनिश्चित है कि दोनों भाइयों में से एक मरेगा मैया, लेकिन कुंती माता तेरे ऊपर कोई आंच नहीं आएगी, चाहे मैं मर जाऊं चाहे अर्जुन मरे, तेरे बेटे पहले भी पांच थे और अब भी पांच बेटे रहेंगे, ऐसे कह करके अर्जुन के चैलेंज करण के चैलेंज को स्वीकार करके कुंती माता पांचों बाण को लेकर चली जाती है और दोनों भाई आमने सामने दूसरे धनुषयुद्ध भूमि में हो जाते हैं, इधर करण का रथ इधर अर्जुन का रथ, अर्जुन अपने बाण से करण के रथ को 7 कदम पीछे हटाते थे और करण अर्जुन के रथ को 3.5 कदम यानी आधा पीछे हटा रहे थे, फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे करण
तेरे मैया बाप को धन है जो तेरे जैसे योद्धा पुत्र को जन्म दिया। और जिनको बुरी लगी ये बात कि भगवान तुम ये अन्याय क्यों कर रहे हो, मैं तो उसके रथ को दुगना हटा रहा हूं फिर भी आप शाबाशी उसे देते हो, शाबाशी तो मुझे देनी चाहिए। भगवान मन में मुस्का गए कि अर्जुन को घमंड आ गया, तुझे नहीं पता रे अर्जुन उसके रथ के हाड़ी मालिक तीन लोग के नाथ बैठे हैं, उसकी रथ की ध्वजा पर हनुमान जी बैठे हैं। अरे धन्यवाद का पात्र तो वो कर्ण है जो तीनों लोग और हनुमान जी और अर्जुन को कम से कम 3.5 कदम तो पीछे हटाता है। जय हो। इसी समय में उस कर्ण के रथ का पहिया मिट्टी में धस जाता है। जब कर्ण अपने पहिया को निकालने लगा तो भगवान ने फिर कहा कि अर्जुन इसको निहत्थे को मार दे, जब तक ये पहिया निकाले ना उससे पहले कर्ण को मार दे नहीं तेरी दाल नहीं गलेगी। बेचारे कर्ण के साथ तीसरी बार कैसे धोखा हुआ, क्या कहते हैं भैया क्या होता है भैया? अरे झगड़ो हो गो भारत में कैसे, अरे झगड़ो हो गो भारत में करायो ऊपर वाला ने, अरे झगड़ो हो गो भारत में करायो ऊपर वाला ने, दोनों माजाया वो दोनों माजाया बेड़ा दिया बंके वाला ने, झगड़ो हो गो भारत में करायो ऊपर वाला ने, दोनों माजाया बेड़ा दिया बंके वाला ने, झगड़ो भारत में करायो ऊपर वाला ने, दोनों माजाया बेड़ा बंके वाला ने, झगड़ो हो गो महाभारत में कैसे, देखी झगड़ो हो गो भारत में कराए ऊपर वाला ने, वाला ने झगड़ो भारत में करायो ऊपर वाला ने, दोनों बाजाया बेराया बंसी वाला ने, झगड़ो भारत में करायो ऊपर वाला ने, दोनों बाजाया बेराया बंसी वाला ने। भगवान ने कह दिया कि अर्जुन मार दे कर्ण को, रथ का पहिया निकाल रहा है धोखे से मार दे, क्या कहते हैं कहते हैं बेटा, अबे तू मत चूके वो पारत कैसे हो, अबे तू मत चूके रे पारत पूरो कर ले तेरो स्वारत, ऐसो नहीं आएगो फिर मौको और सीड़ा सीड़ा सा मैं ही तेरो दावे लगेगो चोको, कैसे ए सर सर छोड़े बाण करा ले, कैसे बिचारो कर्ण होयो बेहाले, अरे भाई अब तो रण को रोको और करण धरण पे पड़ो न्याय, रणनीत नहीं है धोखो, और क्या बेटा के मोसे तुम्हें काई को करो अन्याय, कैसे करण क्या कहता है भगवान कैसे कह रहा है बेटा, के मोसे तुम्हें काई को करो अन्याय, ओ धोखो धोखो यो डकराए, थोड़ी सी कर दो बंद लड़ाई और तुम तो समदर्शी हो, मोहन काई को बड़ो अन्याय, कैसे क्या कहा अर्जुन ने कर्ण की बात सुन, कैसे कहता है भैया, जब मेरो एकलो मारो रे पूत शर्म नहीं आई रे सातन को, मेरो एकलो ही मारो पूत शर्म नहीं आई रे सातन को, अरे वादन खाओ तेरो न्याय भूल गो ठीक है सातन को, जब कर्ण से अर्जुन ने, कर्ण ने कहा नियम की बात तो अर्जुन बीच में बोला कि नियम वाले आज तू नियम की बात करता है, तेरा नियम उस दिन कहा गया था जब लाक्षा ग्रह का खेल रचाया था, अरे जब मेरे छोटे से बेटे अभिमन्यु को साथ साथ महारथियों ने नियति को मारा था उस दिन जब न्याय कहा गया था, तेरा न्याय उस दिन कहा गया था जब बड़ी सभा के बीच में द्रौपदी को नंगा किया, अरे दुशासन ने जंगा पर बिठाया उस दिन तो तेरे न्याय की बात ना करी और आज न्याय की बात करता है, क्या कहता है भैया कैसे कह रहा है भैया, के कर तो कर्ण नेम की बात, कैसे हो कर तो कर्ण नेम की बात, तेने तो दियो पाप को साथ, हम काका बाबा का भाई और तने काय को टुक टोड़ा फाटा में टांग फसाई, के हरि ने दे दियो झट्टी सारो, कैसे भारत कर दे आज कबाड़ो,
भारत कर दे आज कबाड़ो, अब तू कहीं कु करे है देरी, और पैया निकड़ा पाछे फिर नहीं दाड़ गड़ेगी तेरी। अरे वाने रच रच छोड़े रे पाण, दया नहीं यार सोने को आई। वन रच रच छोड़े बाण, दया भारत को नहीं आई। अरे वाने दियो धरण पसाए कैसे, अरे वाले दियो रे धरण पसाड़े करण बाको माराय हो भाई मेरे ज्ञानी श्रोताओं, अर्जुन ने कर्ण को धोखे से मार दिया और भगवान से कहने लगा कि देखो कृष्णा मुझ में कितनी ताकत है। भगवान को गुस्सा आ गया कि अर्जुन तू बहुत घमंडी है, घमंड तो मैं किसी का छोड़ ही नहीं सकता, तूने क्या कर्ण को मारा, तू कर्ण की कभी भी बराबरी नहीं कर सकता। वो कैसा था, वो तो धोखे से मारा, देख अब कर्ण मरा पड़ा हुआ है, फिर भी मैं इसकी परीक्षा लूंगा, मरते मरते भी अपनी परीक्षा में पास होके जाएगा, तू कर्ण की क्या बराबरी करेगा। कर्ण अंतिम सांसें गिन रहे थे, भगवान ने एक भूखे और ब्राह्मण का वेश रख करके, और कैसे सोने का दान मरते कर्ण से लेते हैं, और सैया करण कैसे देता भैया, कैसे देता है बेटा। तो जब मरा पड़ा हुआ था और अर्जुन के दिखाने के लिए भगवान ने भिखारी का वेश बदल लिया और रोते, और भगवान क्या कहते करण से, कैसे कह रहे भैया, अरे दे 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 रे, कैसे ओ दे 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 रे, दे दे रे कछु दान, ओ दे 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 रे, दे दे रे कछु दान, बतायो तू तो भारो था, ओ दे 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 रे, दे दे रे कछु दान, बतायो तू तो भारो था, दे 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 रे, दे दे रे कछु दान, बतायो तू तो भारो था। अरे मो पे कछु वत नहीं रे, पितन मर तो हार सतायो, महाराज मैं तो मरने जा रहा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। पंडित जी कहने लगे, पंडित रूपी भगवान कहने लगे, है क्या है तेरे पास, क्या कहता भैया, कैसे कह रहा है भैया, कि तेरे दांतों में सोना की चौंप ठुकी हुई है, वही दे दे मुझे तो, क्या करता भैया, क्या है भैया, अरे मत जारी तो आज पे प्रतन आरो तो आटो, मत जारी तो आज पे प्रतन आरो तो आटो, तू ले जा कंचन दान, कैसे तू ले जा कंचन दान, गीता दे एक मोटो सो बाटो, दे 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 कातो दान, बतायो तू तो भारो दान, दे 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 कातो दान, बतायो तू तो भारो दान। के सुनते ब्राह्मण गुरसाई, कैसे तो कुने की शर्म नहीं आई, जो तू मेरे पाप लगावे और दांत तोड़ावे, मो पे जो तू मेरो धर्म घटावे, तेरे तो नहीं दे बाकी मन में, वीर था जो तू घुसे बिलन में, मुँह से कर दे साफ मनाई, अरे री तो ही जाऊं मेरा घर को, तो पे जोर कछु नहीं भाई, रे बोलो हाथ जोड़ कर दानी, कैसे ओ बोलो हाथ जोड़ कर दानी, मोकु माफ करो रे ज्ञानी, बिचारो पड़ो पड़ो ईश्वर क्यों, और ले भाटा को चोट कर विष्णु को यो डर क्यों, रे प्रगट हो गयो बंसी वाड़ो, ओ प्रगट हो गो बंसी वाड़ो, धर लियो रूप चतुर भुज प्यारो, झट से जा पकड़ो बाको हाथ, तू मांगे जे तू मांगे कर्ण मोगुना चाहिए तेरे दांत, नहीं है तो जैसो कोई दानी, कैसे मैंने तो हार अपनी मानी, प्रभु वो तेरो ही दास बना जो,
कोई पवित्र जगह पर चिता बनाकर माई मेरो दाग लगायो, आशीर्वाद लियो सिर धारियो, कैसे हरी हरी कर बैकुंठ पधारियो। प्रभु ने तुरंत खबर पहुंचाई, तुम कर दो करिया कर्म करण तारो है मा जायो भाई। तो सज्जन भगवान प्रकट हो गए कि करण मैं तो अर्जुन के घमंड को मिटाना चाहता था, तू जीत गया तुझसे भगवान हार गए, कुछ मांग। बोल भगवान मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बोल नहीं कुछ तो मांगना पड़ेगा। तो करण ने मरते मरते क्या कहा कि हे प्रभु जी, आप देना ही चाहते हो तो जिस जगह को आप पवित्र मानते हो ना वहां पर ही मेरी चिता लगवाना। भगवान ने चिता कहाँ लगवाई भैया लास्ट में, कहाँ लगवाई भैया? हा बेटा बेटा पे आसुर जाए पिता में लेटो सेठी पे, आ बेटा बेटा पे आंसू जाए पिता में लेटो सेठी पे। अरे वाह करण वीर की चिता कैसे, अरे वाह करण वीर की चिता रे लगाई हर हाथ लेटी पे। भगवान ने करण की चिता इतना शुद्ध माना जो अपनी हथेली पर चिता लगवाई थी। आप सब जानते हैं महाभारत का लेख, अंत में जब युधिष्ठिर धर्मराज को पता लगा कि करण मेरा बड़ा भाई था, पहली बार पता लगा, रोता रोता अपनी कुंती माँ के पास गया कि माता तेने बहुत बुरा किया। ए माँ, ये राजवाज तो बहुत बड़े होते हैं लेकिन करण जैसे भैया, ये माजाए भैया दुनिया में नहीं मिलते, तेने बहुत गलती करी, मुझसे बात छिपाई। पहले नारी जाति बात को छिपाया करती थी, इसलिए युधिष्ठिर ने गुस्सा खा के पूरी नारी जाति को श्राप दे दिया जो आज तक चला रहा है। क्या श्राप दिया गुरु जी? क्या श्राप दिया बेटा? हरे वाह ने ऋषि में दे दियो श्राप, नार ले जाएंगी ओना में। अब ऋष में दे दियो श्राप, नार ले जाएंगी ओंडा में। अरे मत खीजो दिल की बात, अरे मत खीजो दिल की बात, डटेगी नहीं एने का मोड़ा में। अबे मैं मति मंद महेश मात मेरो माटी माप के मो, आ मैं मति मंदिर महेश मात मेरो माटी माप के मो। अरे मेरी करू रे कथा को बंद, कैसे ओ मेरी करू कविता बंद पापड़ी वाहे कीने बोले हो। बोल भारत माता की जय, बोल पापड़ी वाले की जय हो। वाह, बहुत सुंदर गाया और बहुत सुंदर बजाया। दोस्तों अब कहने को कोई शब्द नहीं है, निशब्द कर दिया इन्होंने। करण की पूरी जीवनी, उसका संघर्ष, उसकी कथा, उसकी व्यथा कितनी सुंदर इन्होंने आपके सामने रखी है। मैं इनके पूरे दल को और इनको धन्यवाद देता हूँ, इनका आभार प्रकट करता हूँ कि इन्होंने हमारे लिए ये कार्यक्रम संजोया जो मैंने आप तक पहुँचाया। दोस्तों कोरोना अभी गया नहीं है, हमें अपनी पूरी सावधानी रखनी है और इस सावधानी से ही इस बीमारी को हराना है। हमारी ये रंग यात्रा यूं ही चलती रहेगी, चालू है, आगे भी चलती रहेगी। मैं ऐसी ही किसी कला और उन कला के साधकों के साथ फिर से आपके सामने उपस्थित होता हूं। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए और हमारी इस रंग यात्रा को एक अल्प विराम की अनुमति दीजिए। नमस्कार।